एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग कि इस तरह के क्वेश्चंस आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। अभी आप लोग 5 से 6 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, फिर चाहे आप स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स के या फिर सिविल सर्विस के, या फिर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम, SSC, बैंक, रेलवे, जो भी हो, आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के। और याद रखिए, बहुत मतलब एक तरह से बहुत साधारण क्वेश्चंस, लेकिन हम इन्हें गलत कर बैठते हैं। अब जैसे आपने देखा है कि अभी मानव पूंजी सूचकांक 2020 आया हुआ है, तो याद रखिए इससे संबंधित सभी तथ्य याद रख लेने चाहिए आप लोगों को। कौन जारी करता है, हमारी रैंकिंग इसमें क्या है, हमारे पड़ोसियों की रैंकिंग क्या है, इसमें जो रैंकिंग के आधार क्या है, क्योंकि आप देख लेते हैं कई बार आपके प्रीलिम्स में पूछ लेता है कि इसके आधार क्या है, या फिर आप देखते हैं जब आंसर राइटिंग आप लोग करते हैं तब भी आप इन आंकड़ों को डाल सकते हैं वहां। तो सबसे पहले तो याद रखिए मानव पूंजी का मतलब क्या होता है। आप लोग हर हर जगह सुनते रहते हैं मानव संसाधन, तो याद रखिए एक आपने देखा हो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए धरती पर आप देखते हैं कई तरह के, आप समझिए कि संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन जब तक वो है संसाधन, हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि वो हमारे उपयोग के लिए ना हो। आज से पहले आप देखिए कि हम लोग लोहे का उपयोग नहीं करते होंगे एक समय, क्या तब हमारे लिए वो संसाधन था? बिल्कुल नहीं। यानी कि जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसका उपयोग हम करते हैं, उसे हम लोग संसाधन कह देते हैं। इसी तरह मानव पूंजी को आप लोग ले लीजिए कि जिस देश में आप देखिए कि मानव पूंजी होगी वो देश पावरफुल होगा, सक्सेस होगा, यानी कि विकसित देशों की सूची में जा खड़ा हुआ होगा। अफ्रीका महाद्वीप के आप लोग देशों को ले लीजिए, वहां अशिक्षा दिखेगी, शिक्षा की व्यवस्था आपको मतलब जितनी बुरी हो सकती है उतनी दिखेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं रहेगी, तो आप सोचिए वहां मानव पूंजी उत्पन्न नहीं हो सकती है। दूर क्यों जा रहे हैं आप लोग, छोड़िए अपने बिहार की देख लीजिए स्थिति, और एक तरफ केरल की स्थिति देख लीजिए। आपने देखा होगा कि जब सेकेंड विश्व युद्ध हुआ, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार, तो आपने देखा है जापान बुरी तरह से हार गया था। उसमें आपने देखा है कि परमाणु बम गिराए गए जापान के ऊपर अमेरिका के द्वारा। तो एक परमाणु बम गिराने का मतलब आप समझ रहे हैं। अभी भोपाल में आपके देखते हैं 1984 में एक गैस लीक पर घटना हुई थी, उसका प्रभाव अभी भी देखा जा रहा है, और हम लोग उससे अभी भी नहीं निकल पाए हैं। और जापान को देखिए एक तरफ की, जापान इतना बुरी तरह से प्रभावित होने के बाद आज जाके विकसित देशों की सूची में जा जुड़ा है। तो इसमें कुछ आप सोचिए मानव संसाधन है। अभी वहां के कुछ दिन पहले मैंने राष्ट्र प्रमुख का वक्तव्य सुना था, उन्होंने कहा है कि मेरे विकसित या पावरफुल होने का एक ही, मेरे देश का एक तरह से हम कह सकते हैं मानव पूंजी हमारे यहाँ उपलब्ध है। सीधा सा मानव पूंजी का इससे भी आप अर्थ लगा सकते हैं कि ठीक है आपके यहाँ दूध होता है, ठीक है, मान लीजिए आप दूध क्या करेंगे, आप दूध 2-4 लीटर होता है, 2 लीटर मान लीजिए आप लोग, आप क्या करेंगे, 40-50 रुपए किलो बिक जाएगा, लीटर बिक जाएगा, आप दे देते हैं डेयरी वाले को, किसी और को, तो वो क्या करेगा, उसका खोया बनाएगा, खोवा बनाएगा, वो क्या करेगा, केक बना देगा, फिर आप देखेंगे वो चॉकलेट में बदल देगा। तो आप समझिए कि आपके 2 लीटर का 100 रुपये कीमत हो गई, लेकिन उसे वो 1000 में बदलने की कोशिश करेगा। तो यही तो मानव पूंजी है। अगर आपके पास आपके पास दिमाग होती, योग्यता होती एक तरह से, तो आप भी तो वो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? तो इसे ही हम लोग मानव पूंजी कह देते हैं। और मानव पूंजी बनती कैसे है, आपको शिक्षा देनी होगी, स्वास्थ्य देना होगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी, तब जाकर मानव पूंजी बनेगी। अभी आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जाके देख लीजिए, एक परिवार में 4 सदस्य हैं, ठीक है, मान लीजिए 4 भाई हैं, चारों आप देखेंगे एक एक टुकड़ा होगा खेती का, 1-2 एकड़ का, उसी में चारों लगे रहेंगे, और अपनी जिंदगी मतलब उनकी जिंदगी जितनी बद से बदतर हो सकती रहेगी। अगर आप उन्हीं को शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, पढ़ा लिखा दीजिए, कोई कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएगा, कोई दूसरे क्षेत्र में चला जाएगा, आप सोचिए उसी परिवार की स्थिति देखिए आप लोग, अपना मतलब अपना परिवार तो वो मतलब एक तरह से देखभाल करेगा, साथ में देश की विकास दर में भी योगदान करेगा। वहीं किसान परिवार को देख लीजिए आप लोग, कि आप लोग कई योजनाएं लाते हैं उनकी मदद के लिए। तो शिक्षा मेन आधार है, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य। चलिए आगे बात करते हैं मानव पूंजी सूचकांक 2020 के बारे में।
तो सितंबर 2020 में विश्व बैंक द्वारा मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया गया है। तो सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है कि विश्व बैंक जारी करता है, कौन करता है, विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ बता देता हूं, इसकी स्थापना वेटनबुर्ग सम्मेलन 1944 में हुई थी, कब, 1944 में। वैसे आपके जो भी राष्ट्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उन सबको हम लोग कवर कर चुके हैं और सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए कवर किए गए हैं। तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में डले हुए हैं। फिर भी अगर कोई छूट गया हो तो आप लोग बताइए, वो भी कवर करवा दूंगा, ठीक है। इसका यानी कि विश्व बैंक का अगर हम लोग मुख्यालय की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो 189 है, कितने, 189 देश सदस्य हैं। एक बात और इसमें याद रखिए, ये जारी कौन कौन सी रिपोर्ट करता है, तो याद रखना वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये कई बार पूछ लेता है, चार रिपोर्टें दे देगा और उसमें से तीन रहेंगी विश्व बैंक की, एक नहीं रहेगी, तो उसमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन विश्व बैंक जारी नहीं करता है, या किसी भी तरह से क्वेश्चंस बन सकता है। तो विश्व बैंक आप याद रखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है, इसे भी आप लोग चर्चा में हमेशा सुनते रहते हैं, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट ये भी जारी करता है आपका वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स ये भी आपका वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक है। इस सूचकांक में 174 देशों को शामिल किया गया है, कितने, 174 देशों को शामिल किया गया है, 174 देशों को लेकर इस सूचकांक बनाया गया है। इसमें बच्चों के जीवित रहने की संभावना, स्वास्थ्य, देख लीजिए आप लोग, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पैमानों पर देशों का आकलन किया गया है। आप समझिए, यहां शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होगी, आप सीधी सी बात है कि बच्चों के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी, और इसी जिस देश की इस तरह की व्यवस्था होगी, जिस देश में, उसे हाई रैंकिंग दी जाएगी, समझ रहे हैं आप लोग। इससे पूर्व यह सूचकांक 2018 में जारी किया गया था, 2019 में जारी नहीं किया गया, उसके बाद अब 20 में। इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष यानी कि प्रथम स्थान दिया गया है, सिंगापुर को, कहां है सिंगापुर, एक बार मैप्स में देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि याद बना रहेगा आपको। देखिए ये है सिंगापुर आपका, और ये है हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है। इसके पश्चात आप देखेंगे हांगकांग, चीन, हांगकांग कहाँ है, देखिए हांगकांग ये है, चीन का ही एक तरह से इस पर अधिकार है, ताइवान, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर है आपका कौन सा, हांगकांग, पहले पर सिंगापुर, दूसरे पर हांगकांग, तीसरे पर जापान, दक्षिण कोरिया और कनाडा पांचवी पर। तो एक बार दक्षिण कोरिया देखिए, यह दक्षिण कोरिया, यह जापान, और कनाडा की अगर बात हम लोग करें तो ये आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा, कनाडा, देखिए कनाडा, ठीक है। तो याद रखना है, सूचकांक में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन को सबसे अंतिम अर्थात 174वें स्थान पर यानी कि सबसे नीचे रखा गया है। तो या तो आपसे टॉप पूछेगा, सिंगापुर की पूछ लेगा कि पहले नंबर इसे किसे दिया गया है, या फिर अंतिम पूछेगा कि सबसे मतलब लास्ट स्थान पर किसे रखा गया है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन रिपब्लिक को सबसे नीचे रखा गया है, 174वां स्थान मिला हुआ है। मैंने बताया था ना कि अफ्रीका महाद्वीप में आपको सबसे कम बुरी स्थिति देखने को मिलती है, इसलिए आप परिणाम भी आपके सामने है। इसके बाद चाड 173, दक्षिणी सूडान 172, नाइजर 171, माली 170, ये समझ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के देश देखने को मिलेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है भारत के बारे में, या तो टॉप पूछेगा, या सबसे नीचे का पूछेगा, या कौन जारी करता है, किस आधार पर जारी करता है, या फिर पूछेगा भारत के बारे में। इस सूचकांक में भारत को 116वां स्थान मिला है, स्कोर है इसका 0.49 प्राप्त हुआ है। तो आप समझ गए हैं, देखिए एक एक से जीरो इसका एक आधार अंक रखा जाता है, तो एक के मतलब पास जो रहेगा उसकी स्थिति ठीक रहेगी, जो नीचे चला जाएगा जीरो मतलब जैसे 49 से नीचे 48, तो इनकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी, यानी कि 16 से 17, 18 इस तरह से, समझ रहे हैं आप लोग। तो याद रखिए भारत 116वें स्थान मिला है, भारत को कोई खास नहीं कह सकते हैं आप लोग।
और जबकि 2018 में बात करें तो 157 देशों ने भाग लिया था और 115वां स्थान मिला था। यानी कि हमारा स्थिति और गिरी है नीचे। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका आपका 41वें नंबर पर, नेपाल सॉरी माफ करिए 71वें नंबर पर, नेपाल 109, भूटान 121, पाकिस्तान 144 स्थान पर। देख लीजिए एक बार आपके पड़ोसी कहाँ हैं। आपके पड़ोसी हैं ये है श्रीलंका, ये है आपका बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये भी कई बार पूछ लेता है कि पाकिस्तान की रैंकिंग क्या रही थी इसमें, हमारे पड़ोसी की। श्रीलंका की क्या रही थी, नेपाल की। श्रीलंका की 71 है, नेपाल की 109 है, भूटान 121, पाकिस्तान 144 स्थान पर है। समझिए श्रीलंका भी हमसे एक तरह से, हमारी स्थिति श्रीलंका से खराब है, नेपाल से भी हमारी स्थिति खराब है। समझ रहे हैं आप लोग। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा देखूं तो चीन की 45। अब आप समझ सकते हैं कि हमें वो जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है चाइना में। रूस 41वें, ब्राजील 91वां और दक्षिण दक्षिणी अफ्रीका 135वां। यानी कि आप कहिए कि ब्रिक्स देशों में आप देखेंगे तो हमारी अफ्रीका के बाद हमारी स्थिति टाइट है, हमारी स्थिति खराब है। तो इन पॉइंटों को याद रखिए। मुझे लगता है कि क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहे, इसीलिए आप लोगों से बोलता हूं कि 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा। आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के बन रहे हैं, किस तरह के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना आप याद रख लेंगे तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि कोई आपका पॉइंट जाएगा।